इंटर्नशिप्स क्या होते हैं, कब होते हैं, क्या आपको अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए अच्छा इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, और अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज आती ही नहीं तो कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। आपने देखा होगा काफी लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एज ए रिसर्च इंटर्न जाते हैं, तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप में सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या आपको स्किल्स चाहिए, किस किस ईयर में आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंटर्नशिप्स के बारे में ये क्वेश्चंस मुझे काफी लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बना ही दी जाए। और देखो, मैं आप लोगों की ये रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूँ, तो आप भी एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी कर दो, और नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब का बटन है और साथ में बेल आइकन है, प्लीज वो दबा दो। ये अगर आपने कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चलो इसी बात पे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो वॉट आर इंटर्नशिप? सो इंटर्नशिप इज लाइक ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप एज ए स्टूडेंट किसी कंपनी में जाते हैं 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, और वहाँ पे एज ए रेगुलर एम्प्लॉई आप काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग ही मिलेगी, आपको काम करना होगा बाकी एम्प्लॉयज की तरह। आपको कुछ प्रोजेक्ट असाइन होंगे, कुछ टास्क असाइन होंगे जो कि आपको अपने टाइम में कंप्लीट करने होंगे, और आपको भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह उसके बदले में एक सैलरी मिलेगी, एक स्टाइपेंड मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है उस कंपनी पे। और इंटर्नशिप से आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि असली में कंपनीज में क्या काम होता है और आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कंपनी से। और ये इंटर्नशिप्स मोस्टली सेकंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के एंड में होती हैं। कुछ कुछ इंटर्नशिप्स ऐसे भी होती हैं जो कि फुल एक सेमेस्टर तक चलती हैं, 5-6 महीने तक चलती हैं। सो डिपेंड करते हैं आपकी कॉलेज पे डिपेंड कर जाता है, या आप किस टाइप की कंपनी चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इंटर्नशिप मिलेगी। बट ये इंटर्नशिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये सबको करनी भी चाहिए? सो लेट्स लुक एट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटर्नशिप्स। सो फर्स्ट एडवांटेज इज वर्क एक्सपीरियंस। तो आप किसी कंपनी में जाते हो, आपको पता चलता है कि वहाँ पे किस टाइप का काम होता है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आप कॉलेज में करते हो, जो काम आप कॉलेज में करते हो, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है जो कि असली में कंपनीज में होता है। सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड जो भी आप काम करते हो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, क्या पता कंपनी की उससे कुछ कॉस्ट बच जाए, क्या पता कस्टमर्स नए आ जाएं कंपनी के आपके उस काम से, तो एक इम्पैक्ट सबको दिखता है आपके काम का। सेकेंड इज प्रोजेक्ट्स। तो आपके CV में नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने कॉलेज में किए होंगे जो आपने डाले होंगे, बट कंपनीज वैल्यू दिस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स मोर, क्योंकि जैसा मैंने बोला उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उनका रियल लाइफ में यूज केस होता है कुछ। तो इन प्रोजेक्ट्स को आप अपने CV में लिख सकते हो डिटेल्ड वे में, और इंटरव्यू में बता सकते हो कि आपने एग्जैक्टली क्या किया था। एंड अगर आपने कॉलेज टाइम पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो वो उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर देगा, एंड आपको प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देन थर्ड इज PPO चांसेस। सो अगर आपको नहीं पता PPO क्या होता है, सो PPO इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो आपके प्लेसमेंट से पहले ही कंपनीज आपको कुछ ऑफर दे देती हैं कि आपने हमारे पास 2 महीने का इंटर्नशिप किया, एंड वी रियली लाइक यू, वी वांट टू हायर यू। देन वो आपको एक उसी टाइम पे एक ऑफर दे देंगी कि आप कॉलेज के बाद डायरेक्टली हमारे पास ही आ जाना, हमारे पास ही काम करने लग जाना, सो आपको प्लेसमेंट सीजन में बैठने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि आपकी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वो 1 या 2 राउंड इंटरव्यू के ले लेते हैं टू जज यू मोर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने के लिए, थोड़ा बहुत आपसे DA से पूछ लेंगे, एंड देन दे डिसाइड इफ दे वॉन्ट टू गिव यू PPO और नॉट। सो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आप वहीं पे PPO ले सकते हैं, एंड आपको फिर प्लेसमेंट सीजन में बैठने की नहीं जरूरत पड़ेगी। देन फोर्थ इज स्टाइपेंड। देखो कॉलेज में तो ज्यादा किसी को पैसे नहीं मिलते खर्च करने के लिए, बट अगर आप किसी इंटर्नशिप पे जाओगे तो आपको अच्छे वहां से स्टाइपेंड मिल सकता है। यू कैन स्टार्ट अर्निंग योर सेल्फ, आप अपने एक्सपेंडिचर्स खुद उठा सकते हो, शायद आप सेविंग्स भी कर सकते हो जिससे आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी भर सकते हो। ये जैसे भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपके पास पैसा आने लगेगा एंड आप कुछ भी उससे कर सकते हो। फिफ्थ इज नेटवर्किंग। सो आप किसी कंपनी में जाओगे, आप वहां जाके नए लोगों से मिलोगे, तो आप उनसे बात करो, उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखो, फ्यूचर में कभी भी उनसे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्या पता कभी रेफरल की ज़रूरत पड़ जाए, या कभी कुछ और हेल्प चाहिए हो, या उनको कभी आपसे हेल्प चाहिए हो, देन आपको ये सब कनेक्शंस बना के रखने पड़ेंगे वहाँ पे। सो यू शुड गो एंड ट्राई टू टॉक टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, जस्ट फील कॉन्फिडेंट टू टॉक टू एनीवन इन योर टीम, इन योर ऑफिस। अगर आप उनसे बात करने में थोड़ा नहीं कॉन्फिडेंट फील करते, आपको लगता है कि शायद आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, या कुछ आपको मेंटल ब्लॉकर है कि मैं कैसे
इनसे बात कर पाऊँगा, मुझे तो इंग्लिश बोलने नहीं आती, ये लोग मुझे जज करेंगे, देन यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. आप डेली प्रैक्टिस करो इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश पढ़ने की हर रोज़ आप प्रैक्टिस करो. एंड देर आर सम अदर वेज टू इम्प्रूव इंग्लिश ऑल्सो, लाइक देर इज एन अमेजिंग ऐप कॉल्ड कैम्बली जिसमें आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर से आप हर रोज़ बात कर सकते हो, जो कि लोग US के, कैनेडा के, UK के हैं जो रेगुलरली इंग्लिश बोलते हैं, उनसे आप वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हर रोज़ कर सकते हो. इससे आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, आप इंग्लिश हर रोज़ बोलोगे तो आपको हर रोज़ प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड दिस ट्यूटर्स आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हेल्पफुल, वो लोग आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, यू कैन फ्रीली टॉक टू देम. मोस्ट पीपल दैट आई टॉक टू दे आर कॉन्फिडेंट इन राइटिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, बट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश दे फील अ मेंटल ब्लॉकर, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है इंग्लिश बोलने में. सो दिस ऐप कैन रियली हेल्प यू. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TOEFL और IELTS, यू कैन यूज दिस ऐप टू गेट अ गुड स्कोर. एंड यू कैन चूज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन सेलेक्ट देम, यू कैन बुक अ स्लॉट विद देम. आई विल शो यू अ डेमो हाउ यू कैन कनेक्ट विद देम. So hi Dom, can you tell us a little bit more about how we can use Cambly to improve our English skills? Yeah, sure. So my name is Dom Mukham. I'm 25 years old, from England, and this application is Cambly. We use Cambly to chat to people around the world, and the people that use Cambly are a lot of IELTS students, a lot of people who want to improve their general speaking and pronunciation, and a lot of people actually who want to boost their confidence when they are speaking English. So yeah, thank you. Yeah, thanks, perfect. So you can go to their website and download this app. You can also use my coupon code CODESCHOOL. You will get 25% discount on any 3 months plan. Now let's look at some disadvantages. So some internships can be a waste of time. So for example, agar aap third year mein ho aur aap apne DSA aur baaki skills mein confidence aapko nahi hai ki aap achhi placement le paoge fourth year mein, to aapko jo apna time hai wo DSA improve karne mein aur baaki skills improve karne mein lagana chahiye. Agar aap us time pe aise kisi internship mein chale gaye जहाँ पे आपको PPO भी गारंटेड नहीं है, और अगर PPO मिला भी तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे PPO, सो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो उससे बेटर है कि आप घर बैठ के अपने DSA पे इम्प्रूव करो और प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करो, एंड प्लेसमेंट्स में कोई अच्छी कंपनी क्रैक करो. एंड सेकेंड इज सम इंटर्नशिप्स आर नॉट पेड. सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब अनपेड इंटर्नशिप्स खराब होती हैं, बट यू नीड टू यूज योर टाइम वाइजली. अगर आपको ऐसी कोई इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रही है या सेकेंड ईयर के एंड में मिल रही है, एंड आपको रियली लगता है कि आप उससे कुछ नया सीख पाओगे, देन यू शुड गो फॉर इट. ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे चले गए, आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिला वहाँ पे, और जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो गया. उससे अच्छा आप बाकी चीज़ों में अपना टाइम दे सकते हो और बाकी चीज़ों पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. थर्ड ईयर के एंड में ऐसी किसी इंटर्नशिप पे जाना इज नॉट वेरी आइडियल. सो इंटर्नशिप इज गुड टू हैव ऑन रिज्यूमे, बट इट्स नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी. ऑब्वियसली आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप बेटर लगेगा, बट अगर आपके स्किल्स ही उस लेवल पे नहीं है कि आप उस कंपनी के DSA वाला राउंड ही आप क्लियर कर पाओ, सो उस इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं होगा. ऐसे केस में आपको अपना टाइम इंटर्नशिप से हटा के आपके स्किल्स पे देना चाहिए. आई नो कि काफी फोमो होता है जब हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा है, कोई गूगल में जा रहा है, कोई अमेजोन में जा रहा है इंटर्नशिप करने, बट अगर हमारे स्किल्स ही उस लेवल पे नहीं है तो ये टफ डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट ज्यादा मिले इसका. Now let's see how you can apply for any company of your choice irrespective of your branch or college. So first is on-campus internships. So this is the most common way. तो काफ़ी कॉलेजेस में कुछ कंपनीज आती हैं मोस्टली थर्ड ईयर में, वो स्पेसिफिकली इंटर्न्स हायर करने के लिए ही आती हैं. तो अगर आप उनका क्राइटेरिया मीट करते हो देन यू कैन इंटरव्यू फॉर देम, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको मोस्टली वो थर्ड ईयर के एंड में या फोर्थ ईयर में कोई भी एक सेमेस्टर में वो आपको इंटर्नशिप के लिए ले जाएंगी. एग्जैक्टली किस टाइम पे लेके जाएंगी और कितनी लंबी ये इंटर्नशिप होगी वो आपकी कॉलेज पे डिपेंड करता है. एंड ये इंटरव्यूज काफ़ी सिमिलर रहते हैं जो कि फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए होते हैं, बट मोस्टली इनमें DSA पे ज्यादा फोकस रहता है. तो जो लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं तो उनको कभी कभी वहां पे PPO मिल जाता है. थर्ड ईयर के एंड में PPO अगर मिल गया तो फोर्थ ईयर बिल्कुल चिल, कुछ करने की जरूरत नहीं है. बाकी अगर आपने वहां पे PPO को लात मार दी कि नहीं मैं तो कॉलेज में जाके अच्छी इंटर्नशिप लगवाऊंगा, तो भी वो एक ऑप्शन है आपके पास. सेकेंड इज रेफरल्स. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे टू गेट हायर्ड, बट नॉट जस्ट फॉर इंटर्नशिप्स बट फॉर फुल टाइम जॉब्स टू. तो अगर आपको नहीं पता रेफरल क्या होता है, सो रेफरल इज कि मैं अगर
अमेजोन में काम करता हूँ तो मैं जाके अमेजोन को बोल दूंगा कि आप इस बंदे को हायर कर लो, बट वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको हायर कर लेंगे, देन दे विल इंटरव्यू यू, मैं आपका रिज्यूमे उनको दूंगा एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू, दे विल टेक ऑल देयर इंटरव्यू राउंड्स, एंड अगर आपने वो सब इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लिए देन यू विल गेट सेलेक्टेड, एंड इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रेफरल बोनस, अगर आप सेलेक्ट हो गए देन द कंपनी विल गिव मी अ रेफरल बोनस, आई थिंक सब कंपनीज में डिपेंड होता है, किसी में 50,000 किसी में 25,000, बट जितना भी है आई विल गेट अ बोनस। तो आपको जिस भी कंपनी में अप्लाई करना है आप जाके वहाँ के एम्प्लॉयज को ढूंढो, लिंक्डइन पे ढूंढो, फेसबुक पे ढूंढो, आपके कोई कॉलेज के सीनियर्स होंगे वहाँ से ढूंढो, एंड देन आप उनको बोलो कि प्लीज़ रेफर मी, आप उनको मेल कर दो या जैसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप करो, एंड आप उनसे एक रेफरल ले लो, देन अगर कंपनी को आपका रिज्यूमे अच्छा लगा, आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट हुआ, देन दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड यू कैन इंटरव्यू फॉर देम। हो सकता है आपको लिंक्डइन पे भी सब लोग रिप्लाई ना करें, तो अगर आप 10 लोगों को करोगे तो आपको कोई एक बंदा तो रिप्लाई कर ही देगा, एंड काफ़ी लोगों ने तो खुद ही लिंक्डइन पे पोस्ट डाली होती है कि माई टीम इज़ हायरिंग फॉर दिस रोल, प्लीज़ सेंड इन योर रिज्यूमेस, तो आप उस पर भी रिप्लाई कर सकते हो, उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। थर्ड इज करियर्स पेज, सो दिस इज अगेन अ वेरी इफेक्टिव वे टू गेट हायर्ड। सो सब कंपनीज ने एक करियर्स पेज बनाया होता है, सो उनकी कंपनी में जो भी ओपनिंग्स आती रहती हैं वो उसमें वो लिस्ट करते रहते हैं, तो अगर आप कोई भी कंपनी का करियर्स पेज देखना चाहते हो देन जस्ट आप गूगल करो लाइक अमेजोन करियर्स, सो एक पेज खुल के आ जाएगा वहाँ पे, देन आप देख सकते हो कि ये कंपनी किस किस रोल के लिए अभी हायर कर रही है, एंड वहाँ से आप उस कंपनी में उस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप जाके देख लो कि इंटर्नशिप के लिए कौन सी टीम्स में ओपनिंग्स हैं, एंड जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर दो। सो फोर्थ इज जॉब साइट्स, सो काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जिन पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो कंपनीज पे, लाइक देयर इज वन साइट कॉल्ड इंटर्नशाला, naukri.com पे भी काफ़ी इंटर्नशिप्स के लिए ओपनिंग्स होती हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, देन लिंक्डइन पे भी एक जॉब्स वाला सेक्शन रहता है उसमें भी काफी ओपनिंग्स आती रहती हैं, वहां पे भी देख सकते हो, एंड कुछ और साइट्स हैं लाइक इंस्टा है उसमें भी कुछ ओपनिंग्स आती रहती हैं, एंड आई थिंक इंटरव्यू बिट में भी कुछ ओपनिंग्स आती रहती हैं, आप उनको एक्सप्लोर करते रहो आपको कुछ कुछ नया दिखता रहेगा, या आप अपने आसपास के लोगों को देखो किसी ने ऑफ कैंपस अप्लाई किया हो उन्होंने कैसे किया था आप उनसे बात कर लो, एंड उनका शायद वहां के एचआर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा आप उनसे बात कर सकते हो। फिर नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स एट फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो आपने देखा होगा काफी लोग सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के एंड में या एक फुल सेमेस्टर लगा के आते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, एंड वो भी फुली फंडेड होता है उनकी तरफ से। सो वो लोग कैसे करते हैं ये, सो उसके लिए आपको प्रोफेसर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उनके प्रोफेसर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको उनकी वेबसाइट से कॉलेज की वेबसाइट से उनके ईमेल आईडीज मिल जाएंगे या लिंक्डइन पे उनके ईमेल आईडीज मिल जाएंगे, देन आपको उनको एक कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन द वर्क दैट यू आर डूइंग। आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, तो और आपको ये भी देखना होगा कि आपका उस काम में इंटरेस्ट है क्या, या आपने अगर पहले उसमें कुछ किया है देन इट विल बी इवन बेटर, अगर आपका रिसर्च वाला प्रोफाइल है दैट्स इवन मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप उनको एक ईमेल कर सकते हैं कि दैट आई रियली लाइक योर वर्क एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वांट टू डू प्रोजेक्ट्स अंडर यू, एंड आप अपने प्रोजेक्ट्स का उसमें लिंक दे सकते हैं अगर आपने वैसा कुछ किया है। जस्ट आपको ये शो करना है कि आपका काम उनके काम के साथ अलाइंड है, आप भी उसी फील्ड में काम करना चाहते हो जिसमें वो कर रहे हैं, एंड आपको ऑब्वियसली सब लोगों से तो रिप्लाई नहीं आएगा, तो आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी प्रोफेसर्स को ईमेल करना पड़ेगा, एंड जिससे भी आपको रिप्लाई आएगा उससे आपको बात आगे फिर लेके जानी होगी। अगर आपका इंटर्नशिप फाइनल हो गया देन आपको फाइनेंसिस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर प्रोफेसर को हर कॉलेज को कुछ रिसर्च की फंडिंग मिलती है, देन वो फंड्स यूज़ करके वो आपका इंटर्नशिप भी फाइनेंस कर सकते हैं, तो आपको वो बात करनी पड़ेगी उनसे ईमेल के थ्रू ही, या कुछ अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए कहीं से आप वो कर सकते हो, एंड दिस इज़ द वे यू कैन गेट अ फॉरेन इंटर्नशिप। ये आप सेकेंड ईयर के एंड में कर सकते हो 2 महीने की, थर्ड ईयर के एंड में कर सकते हो, और कुछ लोग थीसिस भी करते हैं जिसमें एक फुल सेमेस्टर वो लगा के आते हैं वहाँ पे। सो आप जस्ट एक्सप्लोर करो यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोफेसर्स को, वो क्या काम कर रहे हैं, एंड जो भी आपके काम के साथ आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइंड होते हैं आप उनसे बात करो जाके।
एंड ये इंटर्नशिप्स अगर आपको फ्यूचर में हायर स्टडीज के लिए जाना है उसके लिए भी काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि आपकी रिसर्च प्रोफाइल और भी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या पता आपको कोई रिसर्च पेपर ही लिखने को मिल जाए वहाँ पे। बट अगेन यू नीड टू थिंक फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है भी या नहीं है। क्या पता आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर दो बट आपको प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, देन इट माइट नॉट बी द राइट डिसीजन। सो जस्ट व्हाटएवर यू डू, थिंक वेरी वाइजली एंड टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हाउ यू कैन अप्रोच दिस। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।